दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में यानी सीमाज खाना में। और आज हम लेके आए हैं बहुत ही बढ़िया सा रेसिपी। तो यहाँ पे आज हम बनाएंगे अपनी रसोई में पालक पनीर। हमने पालक जो है दो गड्डी लिया है, जैसे मार्केट में गड्डी बांध के बेचते हैं ना, मैं दो गड्डी ले रखा है। और उस पत्तेदार है पूरा हरा एकदम पत्ते, जो डंठल है थोड़ा सा रखे हैं, बाकी का मोटे वाला डंठल को बाहर निकाल दिए है और फ्रेश पालक है। तो यहाँ पर हमें इसको उबालना पड़ेगा। तो यहाँ पे उबालने के लिए हमने लिया है यहाँ से 1 से 1.5 लीटर के करीब हमने पानी ले लिया है। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने से थोड़ा सा जल्दी सा ये उबल जाएगा। तो यहाँ पे हल्का सा नमक डाल लिया है। और अब हमें क्या करना है, पालक को इसके अंदर डालना है, ज़्यादा उबालना नहीं है। इसका कलर ऐसे ही रखने के लिए बस थोड़ा सा पानी में डालेंगे। और जैसे ही हल्का सा इस पे जो है थोड़ा सा जैसे ही सिकुड़ने से लगे तो इसको हम निकाल लेंगे, इसको हमें ज़्यादा नहीं उबालना। तो इसे हम डाल देते हैं पालक को पानी के अंदर में ही। यहाँ पे हमने कटिंग नहीं किया है, ऐसे ही डाल रही हूँ क्योंकि इसको तो हमें पीसना रहता है ना, इसलिए मैं इसको इसी के अंदर डाल दूँगी। आज पूरा घर में पूरे फैमिली के लिए पालक पनीर बन रहा है, तो आज चलिए आप ही के साथ बनाते हुए शेयर कर लेते हैं। थोड़ा सा ये उबल जाए फिर मैं इसको भी इसके अंदर ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पर हमने सारा पानी के अंदर सारा पालक को डाल दिया है और यहाँ पे हमने ढक लिया है। बस 1 से 2 मिनट ही उसे पकाना है, ज़्यादा नहीं उबालना है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा जो है हमारा पालक उबल गया है। गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। पानी डाल के पालक को निकालने के बाद इसको थोड़ा वॉश कर लेंगे ठंडा पानी से, तो ये ठंडा भी हो जाएगा और कलर भी वैसे ही रहेगा। इसे मैं बाहर निकाल लेती हूँ, देखिए एक ही साथ ये निकल जाएगा। जब तक हमारा पालक ठंडा होगा हमने कढ़ाई को अच्छे से फिर से धो लिया है। धोने के बाद इसमें डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे हमने सरसों का ऑयल। आप चाहे तो किसी भी ऑयल में बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट कुछ मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है थोड़ा सा, डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब जीरा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालना है। इसे जीरा डाल देंगे, जैसे चटक जाए यहाँ पर डाल देंगे हरी मिर्च, 4 हरी मिर्च है, थोड़ा सा यहाँ पे अदरक लिया है 1 इंच का टुकड़ा, यहाँ पे अदरक को कट कर लिया है, 7 से 8 कलियाँ हमारे पास है लहसुन का, डाल देंगे। इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। जैसे ये थोड़ा सा भून जाए तो यहाँ पे हम डाल देंगे कटा हुआ प्याज, ओनियन हमने जो लिया है वो 2 है मीडियम साइज़ का, इसको भी भून लेंगे। आप चाहे तो इसमें सारी चीज़ों को चॉप करके भी डाल सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। थोड़ा सा भून लेंगे। तो यहाँ प्याज जैसे ही थोड़ा सा भून जाए, थोड़ा सॉफ्ट सा दिखने लगे, यहाँ पे डाल देंगे टमाटर। 2 टमाटर लिया है, इसे भी हमने लंबाई में कट कर लिया है, इसे भी पका लेंगे। थोड़ा सॉफ्ट होने देते हैं इसे भी, और जैसे ये सॉफ्ट होगा पकेगा तब तक के लिए हम यहाँ पे पालक को देखिए ठंडे पानी से वॉश कर दिए, बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो इसको हम पीस लेंगे, पानी को बिल्कुल हम निकाल लेंगे, पानी नहीं पीसना है, मतलब पानी यूज नहीं करना है उसके अंदर बिल्कुल भी। पालक को हमने पीस लिया है, अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे। आप चाहे तो इसे चॉप करके भी बना सकते हैं, बट मैं पीस लेती हूँ, इस तरीके से भी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। गैस को ऑफ कर दूँगी, इसे भी मैं पालक के साथ ही पीस लूँगी। ये पालक वाला ही जार लिया है और उसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि यहाँ पर मैंने आपको धनिया नहीं दिखाया था, ताकि मैं धनिया भी इसमें डाल के पीसने वाली हूँ, बहुत ही टेस्टी होता है, इसलिए इसे भी यूज कर रही हूँ। थोड़ा इसमें डंठल भी है, नहीं तो मैंने बोल दिया था पीसने के लिए तो मैं पीस सकती थी, बट मैं ये बता देती हूँ कि मैंने इसमें धनिया भी पीसा है। तो यहाँ पर हमने फिर से कढ़ाई रख दिया है और यहाँ पर हमने अच्छे से सरसों का तेल डाला है। 2 चम्मच के करीब ही हमने सरसों का तेल डाल दिया है। तेल भी गर्म है, फ्लेम भी मीडियम रखा है। अब यहाँ डाल देना है मसाला। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मसाले में, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिया है 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये जले नहीं, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमने इसी हिसाब से सारा मसाला ले रखा है। गैस को मैं ऑफ़ कर देती हूँ, तेल अच्छे से ज़्यादा गर्म हो गया है तो ज़्यादा नहीं चाहिए। 1 चम्मच के करीब जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब यहाँ पे
हल्दी पाउडर, यहाँ पे 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे हमने लिया है गरम मसाला, और 2 चुटकी के करीब हमने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर, और यहाँ पे गरम मसाला 1 चम्मच है। छोटे वाले चम्मच से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, फिर हम इसके अंदर डालेंगे, नहीं तो ये चटकता बहुत है। ये देखिए, इसे हम पका लेंगे। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी और ऐड कर लेती हूँ, हल्का सा पानी डाल लेंगे, इसे भून लेंगे, अच्छे से इसे भून लेते हैं पहले 1 से 2 मिनट। मसाला जैसे ही यहाँ थोड़ा भून जाए, यहाँ पे हम डाल देंगे प्याज और टमाटर का जो प्योरी बनाया था उसे, इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे भी थोड़ा इसमें पका लेंगे। मैं इसे हाथ से ही निकाल रही हूँ ताकि अच्छे से मैं इसे निकाल लूँ इसके अंदर से। इसे थोड़ा सा 1 से 2 मिनट हम भी भून लेंगे, इसे मिक्स करते हुए भून लेंगे। यहाँ पे हमने मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया है, देखिए ये ऑयल भी छोड़ने लगा है। मसाले को तो अच्छे से भूनना है क्योंकि पालक तो हमने उबाल रखा है, तो यहाँ पे देखिए पालक का कलर देखिए, बिल्कुल जैसा पालक होता है वैसे ही कलर है, हमने ज़्यादा नहीं उबाला है इसलिए कलर इसका बढ़िया है। तो इसे हम डाल देंगे इसके अंदर, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसे भी हम पका लेते हैं। काफ़ी थिक है, इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो पालक को थोड़ा देर भून लिया है, यहाँ पे देखिए 2 तरह का पालक दिखेगा, ये थोड़ा सा छलनी में पहले लगा हुआ है, काफ़ी ग्रीन है, और इसमें दोनों में फ़र्क है। तो इसे हमने भून लिया है, थोड़ा थिक है, तो मैं पानी डालूँगी जिस कटोरे में हमने रखा था, जिस कटोरे में हमने यहाँ पे पालक रखा था उसी में हमने पानी लिया है, तो 1/2 कटोरा के करीब हम इसमें पानी डाल दिए हैं। ये देखिए अब बढ़िया सा हो गया है, ज़्यादा थिक नहीं है, इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से उबल रहा है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1 कटोरी दूध। आप चाहे तो यहाँ मार्केट से ख़रीदा हुआ मलाई या घर का रखा हुआ मलाई ऐड कर सकते हैं, बट हमने इसमें नॉर्मली दूध डाल रखा है। इसे हम मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद हम नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार डाल देंगे नमक, तो मैं यहाँ पे नमक डाल लेती हूँ। हमने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब नमक लिया है, और 1/2 चम्मच के करीब मैं और डाल दूँगी। पालक का जो ये पनीर हम बना रहे हैं, पालक पनीर, उसका क्वांटिटी हमारा ज़्यादा है, उसी हिसाब से हमने डाल लिया है। आप जितना बनाओगे उसी हिसाब से डाल लेना। यहाँ पे हमने डाल दिया है, और यहाँ पे मिक्स करने के बाद हम डाल देंगे यहाँ पे रखा हुआ 1/2 केजी पनीर, इसे हमें ऐड कर लूँगी। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया सा पनीर बन के रेडी है हमारा। इसमें एक तड़का लगाएंगे, बिना तड़के का तो ये पनीर जो है पालक पनीर हमको बिल्कुल ही पसंद नहीं आता, तो तड़का तो मैं लगाती ही लगाती हूँ, बहुत ही बढ़िया लगता है और अमेजिंग रेसिपी है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए तड़के की तैयारी कर लेते हैं, इसको एक उबाल आने देते हैं। तो यहाँ पे हमने तड़का तैयार कर लिया है, 1 से 2 कलियाँ लहसुन की, 1 हरी मिर्च, 1 लिया है हमने हरी मिर्च, और एक लाल मिर्च, और थोड़ा सा अदरक, इसको मैं अच्छे से तड़के में डाल दूँगी और इसे ढक देंगे। और यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने बहुत ही बढ़िया से लहसुन के तड़के वाले अच्छे से पालक पनीर बना के रेडी कर दिया है। इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाएं, खाएं, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। कमेंट करना नहीं भूलें, क्योंकि आपका कमेंट हमें अपने आप को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलें। चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।